शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक को फ्री हैंड दे दिया है नीतीश कुमार ने, और गांधी मैदान से फुल सपोर्ट कर दिया है के पाठक के अभियान को। नमस्कार, कशिश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। के पाठक, जो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं, इन दिनों लगातार अभियान चला रहे हैं। जी हाँ, अभियान चला रहे हैं, स्कूलों में जा रहे हैं और निरीक्षण कर रहे हैं। के पाठक कर रहे हैं और उनका पूरा विभाग यानी शिक्षा विभाग लगातार शिक्षकों पर नजर बनाए हुए है और निरीक्षण कर रहा है। स्कूलों में पहुंच रहे हैं के पाठक और तमाम व्यवस्थाएं देख रहे हैं और निर्देश भी जारी कर रहे हैं। इस दौरान के पाठक कठोर कार्रवाई कर रहे हैं। अगर शिक्षक अनुपस्थित पाए जा रहे हैं तो पूरा के पूरा स्कूल ही सस्पेंड कर दिया जा रहा है, शिक्षकों का वेतन रोका जा रहा है। कुछ अगर कहा जाए, बिल्कुल रॉबिन हुड स्टाइल में काम कर रहे हैं के पाठक। सवाल भी कई सारे खड़े हो रहे हैं और निरीक्षण के दौरान जिस तरह से के पाठक अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो वीडियो भी सामने आ रहे हैं। एक शिक्षक को उन्होंने यहाँ तक कह दिया, खा खा कर मोटा हो गया है, हाथी जैसा, चल काम कर इडियट। तो इडियट कहा, इडियट पर विवाद खड़ा हो गया। यानी के पाठक शिक्षा में सुधार की बात तो कर रहे हैं लेकिन भाषा की मर्यादा का ख्याल भी नहीं रख रहे हैं। तो खैर, ये तमाम बातें पिछले दिनों देखने को मिली, लेकिन के पाठक जो काम कर रहे हैं उसका फुल सपोर्ट कर दिया है सीएम नीतीश कुमार ने। जी हाँ, सुनकर आप चौंक रहे होंगे कि आखिर क्या वजह है, क्या कह दिया ऐसा नीतीश कुमार ने कि जो के पाठक काम कर रहे हैं उसे हरी झंडी दे दी, उन्हें फुल पॉइंट दे दिया, फुल मार्क्स दे दिया उनके काम को। क्योंकि जिस तरह से सीएम नीतीश कुमार ने गांधी मैदान से तमाम बातें तो जरूर कही शिक्षकों के हित में, साथ ही साथ उन्होंने कहा कि शिक्षकों की बड़े पैमाने पर जो बहाली है वो होगी, परीक्षा जो ली जाने वाली है वो ली जाएगी और उसके बाद राज्यकर्मी के दर्जा पर जो है काम किया जाएगा, जो नियोजित शिक्षकों की मांग है वो पूरी की जाएगी। ये बातें तो उन्होंने कही, साथ ही साथ जो बात उन्होंने कही उस पर गौर करना जरूरी है, क्योंकि शिक्षकों को उन्होंने एक तरह से हिदायत दे दिया और कहा कि आप काम कीजिए, यानी आपका जो काम है वो पढ़ाना, वो पढ़ाइए, अगर आप नहीं पढ़ाएंगे तो आप पर कार्रवाई होगी। जी हाँ, सीएम नीतीश कुमार ने ये साफ शब्दों में कह दिया। नीतीश कुमार ने स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान गांधी मैदान में जो भाषण दिया उसमें शिक्षकों के लिए, किसानों के लिए, पुलिस पर, तमाम चीजों पर जो है चर्चा की। इस दौरान शिक्षकों पर उन्होंने बहुत सारी बातें कही, लेकिन ये जो बात कहा शिक्षकों को, अगर कहा जाए कि सख्त हिदायत दिया उन्होंने गांधी मैदान से, तो ये स्पष्ट माना जा सकता है। उन्होंने कहा कि शिक्षक मन लगाकर स्कूलों में पढ़ाएं, जो शिक्षक मन लगाकर बच्चों को पढ़ाएंगे उनके लिए भविष्य में बेहतर मौके आएंगे। सीएम नीतीश कुमार ने साफ साफ संकेत दिया कि जो शिक्षक स्कूल में मन लगाकर पढ़ाएंगे उनके लिए बेहतर मौके आएंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो ऐसा नहीं करेंगे उसके लिए आगे की राह मुश्किल हो जाएगी। तो नीतीश कुमार ने, सीएम ने साफ कह दिया कि मन लगाकर जो शिक्षक पढ़ाएंगे उनके आगे की राह, भविष्य जो है उनका उज्जवल होगा, लेकिन जो मन लगाकर नहीं पढ़ाएंगे, स्कूल नहीं जाएंगे, ऐसे में उनके लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी। आगे उन्होंने ये कहा, शिक्षकों को चेतावनी देते हुए कहा उन्होंने कि अगर वे ड्यूटी से गायब रहेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यानी ड्यूटी से गायब रहेंगे तो सरकार कोई मर्सी करने वाली नहीं है। जिस तरह से के पाठक अपने अभियान में लगे हैं, शिक्षकों पर लगातार शिकंजा कस रहे हैं अगर यूं कहें तो, जिस तरह से स्कूलों का दौरा कर रहे हैं, और नेताओं ने साफ तौर पर कहा, आरजेडी के और जेडीयू के नेताओं ने, कि सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने उन्हें ये टास्क सौंपा है कि स्कूल में जो शिक्षक है वो पहुंचे और समय पर पहुंचे, पढ़ाए बच्चों को, तो वो टास्क पूरा कर रहे हैं। तो ऐसे में सीएम नीतीश कुमार ने पटना के गांधी मैदान से साफ साफ
के पाठक के काम को सराहनीय बताया है और साथ ही साथ फुल सपोर्ट दे दिया है। अगर यूं कहे कि फुल मार्क्स उन्हें दे दिया और कहा कि वो जो काम कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, इशारों इशारों में उन्होंने शिक्षकों से जो बातें कही, इससे स्पष्ट हो गया कि जो के पाठक कर रहे हैं उस पर सीएम नीतीश कुमार जो है उनके साथ हैं। और साथ ही साथ सीएम नीतीश कुमार ने भी शिक्षकों को चेतावनी दे दी है कि जो बेहतर काम करेंगे उनका भविष्य उज्जवल होगा और जो काम नहीं करेंगे वो समझ लें आगे क्या होगा, यानी उन पर कार्रवाई तय है। जो ड्यूटी से गायब रहेंगे उन्हें उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो ऐसे में के पाठक का जो अभियान चल रहा है उसे नीतीश कुमार ने फुल सपोर्ट कर दिया है पटना के गांधी मैदान से। बने रहिए कशिश न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।